जगह दीनदयाल उपाध्याय गौ शोध संस्थान मथुरा, समय 22 अक्टूबर शाम 6:32। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला संस्थान में दाखिल होता है और करीब 2.5 घंटे के बाद सीएम योगी यहां से बाहर आते हैं। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही है। वजह बेहद खास है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के करीब 4.5 महीने के बाद सीएम योगी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से पहली 1-to-1 मुलाकात हुई, वो भी यूपी में होने जा रहे उपचुनाव से ठीक पहले। सवाल है, योगी भागवत मुलाकात में क्या बात हुई? संघ ने जो करिश्मा हरियाणा में दिखाया, क्या उसी फार्मूले को यूपी में दोहराया जाएगा? क्या 2027 के यूपी चुनाव में संघ की भूमिका पर कोई बात हुई? संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उससे पहले मुख्यमंत्री का संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलना, ये बताता है कि जिस तरीके से हरियाणा में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हरियाणा में जिस तरीके से संघ प्रमुख के कहने पर कार्यकर्ता वहां पर लगे, और उसके बाद जो हरियाणा की जीत मिली है, उसके बाद जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो भी उत्साहित हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ जहां पर भी विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कहा गया है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए 10 दिनों के मथुरा प्रवास पर हैं। इसी दौरान उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो पहले योगी आदित्यनाथ को संघ प्रमुख से सिर्फ 30 मिनट मुलाकात का वक्त मिला था। बंद कमरे में जब मीटिंग शुरू हुई तो 30 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 45 मिनट तक दोनों ने चर्चा की। इतना ही नहीं, सीएम योगी का पहले संघ के शिविर में रात्रि भोज का कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सीएम योगी यहां 2.5 घंटे रुके, शिविर की व्यवस्था का जायजा लिया और रात्रि भोजन के बाद लखनऊ के लिए रवाना हुए। मतलब साफ है, लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी ने संघ की नाराजगी वाले नैरेटिव गढ़ने वालों को न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि इस लंबी मुलाकात ने बता दिया कि संघ का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ के साथ है। अब ये समझिए, योगी भागवत महामुलाकात में क्या बात हुई? सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच यूपी उपचुनाव की रणनीति पर बात हुई। हरियाणा की तरह यूपी में भी छोटे ग्रुप बनाकर लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने पर चर्चा हुई। साथ ही तय हुआ कि बूथ प्रबंधन में भी संघ की भूमिका अहम रहेगी। डोर टू डोर कैंपेन चलाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने में भी संघ के कार्यकर्ता एक्टिव होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी संघ के प्रतिबद्ध स्वयंसेवक हैं, और उनके राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का आगमन निश्चित रूप से प्रेरक है। और उनके राज्य में, योगी जी के राज्य में अगर संघ के प्रमुख आए हैं तो दोनों के बीच में मुलाकात होना भी स्वाभाविक है। निश्चित रूप से मुलाकात में वैचारिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, और ऐसी बातचीत का लाभ निश्चित रूप से उस विचार को जीने वाले उत्तर प्रदेश के हर वैचारिक कार्यकर्ता को मोटिवेट करेगा, उनको प्रेरित करेगा और उस विचार के लिए और अधिक काम करने के लिए निश्चित रूप से उन्हें और ऊर्जा से भर देगा। राजनीति पे, वोट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही, सत्ता में है, चुनाव 2 दिन नॉमिनेशन के बस बाकी हैं। तो सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से भाग रही है, हताश और निराश है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए नारे के साथ, अपने नेता के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है। कोई गठबंधन हो जाए, कोई कहीं चले जाए, लेकिन पीडीए वो तैयार है, पीडीए के नेता तैयार है भाजपा को हराने के लिए। दरअसल बीजेपी के साथ साथ संघ के सामने भी चुनौती अपने भगवा गढ़ यानी यूपी को बचाए रखने की है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि यूपी की जमीन पर किसी भी पार्टी की सियासत का सिकुड़ना खतरे की घंटी के बजने जैसा है। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे किसी बड़े अलार्म से कम नहीं, जिसको बनाने में लंबा वक्त बीजेपी को लगा था। ये अलग बात है कि यूपी में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन ये वोट शेयर उसे सीटें नहीं दिला सका। तो क्या मोहन भागवत ने हार के तथ्यों को समझकर
सीएम योगी के साथ रणनीति पर मंथन किया। क्या संघ अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले की काट खोज रहा है? 2027 को लेकर क्या संघ अभी से पूरी तरह एक्टिव हो चुका है? लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी में संघ और मोहन भागवत एक्टिव है। 13 जून को संघ प्रमुख 6 दिनों के गोरखपुर प्रवास पर थे। 28 जून से 3 दिनों तक मोहन भागवत वाराणसी और गाजीपुर के दौरे पर रहे। 1 जुलाई को 2 दिनों के लिए मिर्जापुर पहुंचे। 21 अगस्त को लखनऊ में सीएम आवास पर सरकार, संगठन और संघ के बड़े नेताओं की मीटिंग। संघ प्रमुख का सक्रिय होना संकेत साफ दे रहा है कि अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो समाज में सौहार्द रहे, एक दूसरे को मिलकर सहयोगी बनकर लोग कार्य कैसे करें और इसके माध्यम से अपने देश की जो निरंतर प्रगति, इसको हम कैसे सुनिश्चित करें, इसके संदर्भ में पूरी व्यापक चर्चा होगी। जाहिर है आरएसएस की चिंता समाज को तोड़ने वाली विचारधारा से है और यही वजह है कि मथुरा में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी में देश भर से आए संघ के करीब 400 स्वयंसेवकों ने इस संकट से निपटने के लिए गंभीरता से विमर्श किया। तब तो पीएम मोदी हो, सीएम योगी हो या फिर संघ प्रमुख भागवत, हर कोई इन दिनों हिंदू एकता की बात कर रहा है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब ये बात अलग है कि पीडीए के रथ पर सवार अखिलेश यादव को बटेंगे तो कटेंगे का नारा लैब में तैयार लगता है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग में गिनती के दिन बचे, लेकिन असली टारगेट तो 2027 का चुनाव है, जिसमें महज 2.25 साल बचे। माना जाता है कि यूपी में योगी की टोन सेट कराने में संघ की बड़ी भूमिका रही। 2017 में बीजेपी की बंपर जीत के बाद योगी को सीएम बनाने में भूमिका संघ की मानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में संघ की सलाह पर ही योगी के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और फिर 2022 में भी आरएसएस ने ही योगी के लिए यूपी चुनाव का एजेंडा सेट किया था। मगर 2024 के चुनाव में संघ ने वैसी सक्रियता नहीं दिखाई जिसकी जरूरत थी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी और संघ के बीच की दूरी जमीन पर बढ़ती गई। संघ ने राजनीतिक मुद्दों या रणनीति को लेकर अपनी भूमिका और सलाहों को बेहद सीमित कर दिया। नतीजा सामने आया तो बीजेपी यूपी में नंबर 2 पार्टी बन गई, लेकिन संघ अब यूपी में अपने पुराने रिकॉर्ड को हासिल करने में जुट गया है। इसमें सबसे अहम है ओबीसी दलित वोटर्स को वापस अपने पाले में लाना। इसके लिए आरएसएस जातीय गठजोड़ पर फोकस कर रहा है। इसके तहत दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी जातियों को संघ से जोड़ने का काम हो रहा है। यूपी के गाँव में संघ का विस्तार करने की तैयारी है। हर ग्राम पंचायत में शाखा शुरू होगी। हर गांव में संघ की साप्ताहिक बैठकें होंगी। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं। जाहिर है यूपी को लेकर संघ एक्टिव हो चुका है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजहों को लेकर जो रिपोर्ट बनी है उसके मुताबिक जमीन पर काम शुरू हो चुका है। मोहन भागवत लगातार यूपी का दौरा कर ये संकेत दे रहे हैं कि संघ अब आगे किसी भी तरह का चांस लेने के लिए तैयार नहीं है।